हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब हम एसक्यूएल व्यू में काम करते हैं, देखिए जनरल तरीके से तो आप टेबल बना लेते हैं, चाहे बात करें एसक्यूएल सर्वर की या बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की या माई एसक्यूएल की, तो उसमें जनरल तरीके से टेबल बना करके उसमें आप प्राइमरी की डिसाइड कर लेते हैं। आइए एक बार देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करके कि ये काम आप कैसे करते हैं। इन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है एक डेटाबेस डिजाइन करना होता है क्वेरी के थ्रू, जिसमें कि दो या दो से अधिक फील्ड ऐसे हो सकते हैं जिनमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको एक कंपोजिट की बनानी होती है और आज उसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहां से ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे और जैसे क्लिक करते हैं ये सिनेरियो आपके सामने आता है, तो आपको यहां से क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे, इसको यहां से हमें काम नहीं करना, हम तो चलेंगे एसक्यूएल व्यू में। तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके और देन एसक्यूएल व्यू पे आ जाते हैं। अब हमें यहां पर बनानी है टेबल, तो टेबल बनाना तो बहुत आसान है, यहां पर लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर यहां टेबल का नाम देंगे। जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं शॉप टी, ठीक है, यानी शॉप टेबल, तो टेबल ही लिख देते हैं, शॉप टेबल लिख देता हूं और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फील्ड का नाम देंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पे दे दिया प्रोडक्ट आईडी, तो ये कर दिया प्रोडक्ट और अंडरस्कोर लगा दिया, ये आईडी हो गया। और इसका डेटा टाइप रख दिया इंटीजर, और यहां पे मैंने ये भी दे दिया नॉट नल प्राइमरी की, क्या लिख दिया नॉट नल प्राइमरी की। अब यहां पर कॉमा दे देते हैं और कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमको नेम ऑफ प्रोडक्ट करना है, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर डेटा टाइप क्या रख देंगे, वेयर केयर रख देंगे, वेयर केयर, और यहां साइज 20 रख दिया। और 20 रख के अब सपोज कीजिए कि अब और कुछ नहीं देना चाहते, या देना भी चाहते हैं तो हम देंगे कैसे, प्रॉब्लम ये है। सपोज कीजिए यहां पर हम इस ग्राहक की सपोज कीजिए आधार आईडी नोट करना चाहते हैं, या सपोज कीजिए कि कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे कस्टमर नंबर होगा, तो यहां पे कस्टमर नंबर कर देते हैं एनओ, और इसका डेटा टाइप भी इंट रख लेते हैं। तो फिर अगर यहां पर भी अगर आप प्राइमरी की लिखते हैं तो ये तो वायलेशन हो जाएगा, तो फिर ये कोड आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक टेबल में दो प्राइमरी की होती ही नहीं है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है एक को, तो फिर अगर इस कोड को हम चलाते हैं तो ये चलेगा नहीं, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो दो प्राइमरी की तो बना ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, तो फिर तो इस फील्ड को हटाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर इसको लगाते हैं तो इसमें इंटीजर जो है, ये जो फील्ड हमने डाली है यहाँ पर, ये जो है प्राइमरी की के तरह से एक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये टेबल तो बन गई। लेकिन अब पहला वाला जो प्रोडक्ट आईडी है, अब देखिए ये आर हो गया यहाँ पे आकर के, और ये देखिए ये प्रोडक्ट के जगह आर हो गया है, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट कर दिया, बन चुकी है ये प्रोडक्ट आईडी आ गया है, और यहाँ पर आ गया है नेम ऑफ प्रोडक्ट, और फिर यहाँ आ गया है कस्टमर नंबर। तो कस्टमर नंबर भी हमें यूनिक चाहिए, प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक चाहिए, तो मान लीजिए 1234 ये प्रोडक्ट आईडी हो गई, नेम ऑफ प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कर देता हूं मोबाइल। ठीक है, और यहां पर कस्टमर नंबर अप करते हैं, तो कस्टमर नंबर हमने दे दिया 87। ठीक है, फिर यहां पर ये तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती है प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि इसे हमने प्राइमरी की ही बना लिया था, तो यहां पे 1234 अगर दोबारा देते हैं इसको, और यहां पर कोई अलग ही फील्ड लाइक सपोज कीजिए मैंने यहां पे कीबोर्ड ही एंटर कर दिया, तो ये तो वायलेशन हो जाएगा, और यहां पर ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ये तो दिक्कत करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा, हम यहां पर भी देखिए ये तो डुप्लीकेट नहीं दे सकते, ये तो तय है, तो यहां पर जो है यहां पर हम डुप्लीकेट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर देखिए ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कस्टमर नंबर भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, यही आज के इस वीडियो में समझना है, समझ आ रही है बात। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल को ऑफ करते हैं, अब हम एक नई क्वेरी बनाते हैं और उसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि इस क्वेरी से तो हमें ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर जो है डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ ही रह रही है, तो अगर इस तरीके से हमको कंपोजिट की बनाना हुआ तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी इस क्वेरी को क्लोज करते हैं, वापिस आते हैं क्रिएट पर और आते हैं क्वेरी डिजाइन पर, और यहाँ से इसे नया एक क्वेरी बनाएंगे हम, तो वापिस आते हैं हम। ठीक है, और यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में आप देखेंगे
कि हम दो या तीन फील्ड ऐसे रखेंगे जो कि एक्ट करेगा कैसा, कैसे एक्ट करेगा, एज अ कंपोजिट की एक्ट करेगा, यानी आपको देखने से ऐसा लगेगा हम उसे प्राइमरी की नहीं बनाएंगे लेकिन आपको देखेंगे तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट कमांड यूज करता हूं और टेबल हम बना लेंगे, तो क्रिएट टेबल लिखेंगे और फिर टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम हमारे जो भी हो वो यहाँ पे दे देता हूं, जैसे इस बार मैं कर देता हूं सपोज कीजिए शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग नाम से टेबल बना रहा हूं। और यहां पर जो है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अब हमें नेम देना है फील्ड का। तो यहां पर हम फील्ड का नेम क्या देंगे, कस्टमर आईडी कर देते हैं या कस्टमर नंबर कर सकते हैं आप, तो कस्टमर आईडी कर देते हैं। चलिए कस्टमर आईडी कर दिया, और कस्टमर आईडी किया तो इसका डेटा टाइप भी तो मेंशन करना है, तो चलिए यहाँ पे इंट कर देते हैं। लेकिन हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे बनाना है यूनिक। तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है यूनिक। तो यहाँ पे लिखेंगे UNIQUE, तो यहाँ पे लिख दिया है यूनिक। अब हम कॉमा देते हैं और अब दूसरे फील्ड की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी देनी है, तो ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और इसे भी यूनिक बनाना है तो हम फिलहाल इसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं। तो ये तो हो गया डेटा टाइप, लेकिन यूनिक बनेगा कैसे, तो फिर यहाँ लिख दीजिए यूनिक, एक कीवर्ड बस यूनिक लिख दीजिए और ये बन जाएगा यूनिक। यानी एक टेबल के अंदर एक से अधिक यूनिक फील्ड आपको रखने हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूं और यहां से टर्मिनेट करता हूं और टर्मिनेट करके रन कराता हूं। तो रन कराने पे ये क्वेरी रन हो गई और शॉपिंग नाम से जो टेबल हमने बनाई वो बन भी गया। अब देखते हैं कि यूनिक फील्ड ये ले रहा है या नहीं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी हम करना चाहते हैं, हम इसमें एक और फील्ड ले लेते हैं, और कोई भी एक ऐसी फील्ड लेंगे जो कि क्या होगी यहां पर फॉरेन की होगी। ठीक है, अब यहां पर मैं ले लेता हूं प्राइस, PRICE, और इसका डेटा टाइप करेंसी कर देते हैं, तो ये हो गया करेंसी। और अब इसको क्लोज करते हैं, यहां से क्लोज करेंगे और देन टर्मिनेट करेंगे। अब इसको चलाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर पहले तो इसको क्लोज करेंगे और अब इसको एक बार चलाएंगे यहां से, तो सेलेक्ट करके और देन यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन कराना होता है। तो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से बना हुआ है, तो शॉपिंग टेबल हम इसको डिलीट कर देते हैं जो ये शॉपिंग नाम से बना हुआ है, देन इस क्वेरी को दोबारा से रन करा लेते हैं। तो ये बन गया हमारा शॉपिंग नाम से टेबल, और अब इसमें देखिए प्राइस भी इंक्लूड हो गया है। तो अब हम चलेंगे और मान लीजिए यहाँ पे 111 रखा कस्टमर आईडी, और यहाँ पे 112 रखा हमने प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे प्राइस रख दिया 50। ठीक है, सपोज कीजिए ये 50 हो गया, लेकिन अब यहाँ पर 111 तो हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन अब 111 अब क्योंकि हमने प्राइमरी की तो बनाया नहीं, तो रिपीट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए 111 करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 113, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो 60 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वायलेशन कर रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर भी आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते भले ही आपने प्राइमरी की बनाया हो या ना बनाया हो। देखिए यहाँ पे यूनिक फील्ड यूनिक जो है केवल एक कीवर्ड डाला गया है, कहीं भी प्राइमरी की का जिक्र आया ही नहीं है, देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें प्राइमरी की जैसे एक्ट कर पा रहे हैं, देख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए अब ये जो है एक्सेप्ट कर जाएगा, आप दोनों में से किसी एक फील्ड में नहीं डाल सकते, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में, दोनों ही में नहीं कर सकते आप। अब देखिए 115 लिखा, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर 113 कर देता हूं तो भी जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 80 करता हूं, अब देखिए ये कह रहा है कि आप दोनों ही में आपको यूनिक ही वैल्यू डालनी है, तो ये जो कोड है ना ये काम करेगा इस तरीके से, समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसको फिर डिलीट करता हूं और इसमें कोई और फील्ड ऐड करना चाहता हूं तो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे यहां पर इसको मैं क्लोज करता हूं, पहले यहां से क्लोज करता हूं और ये शॉपिंग वाले को डिलीट करता हूं, और डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ये डिलीट होगा तो डिलीट होने के बाद इसमें एक फील्ड और बढ़ाएंगे। अब इस बार हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस बार हम इसमें एक प्राइमरी की भी जोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आईडी नाम से एक फील्ड डालते हैं जिसका डेटा टाइप हमने रखा वेयर केयर, और इसकी साइज कर दी 20, और अब जो है नॉट नल आगे दे देते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी की। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां से इसे इसको
जो है रन कराएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाके इस तरीके से। तो ये रन हो गया, तो अभी आप देखेंगे ये शॉपिंग वाली टेबल है हमारी, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब जो है ये तीनों ही फील्ड यानी कस्टमर आईडी वाली फील्ड, प्रोडक्ट आईडी वाले फील्ड और आईडी वाला फील्ड, ये तीनों ही जो है एक्ट करेगा किसके जैसे, ये एक्ट करेगा आपका प्राइमरी की के जैसे। भले ही ये दोनों फील्ड प्राइमरी की नहीं है लेकिन ये दोनों फील्ड प्राइमरी की के जैसे ही एक्ट करेगा। हाँ, ये तो हमने प्राइमरी की बना दिया आईडी, ठीक है, तो ये तो एक्ट करेगा ही प्राइमरी की के जैसे, लेकिन ये दोनों फील्ड भी प्राइमरी की के जैसे ही एक्ट करेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आए, जो भी प्राइस है वो डाला और यहाँ पे आईडी डाल दिया। लेकिन देखिए इसमें एक जगह जो है डुप्लीकेट वैल्यू हो गई जिसकी वजह से ये ले नहीं रहा है। जब तक इस डुप्लीकेट वैल्यू को आप हटाएंगे नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए हो, इस तरीके से यूनिक फील्ड चाहिए हो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं यूनिक का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। और अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।